वो भी हमारे गांव में। गांव में जब हल्दी होती है ना तो ऐसे पहना जाता है पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार, नथुनी गुलबन, गुलबन तो नहीं पहन रखा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सीधे खेत में से हो रही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ आज शादी में। किसकी शादी में जा रही हूँ वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी फटाफट से चलते हैं। बाकी मेरे पीछे पीछे मम्मी भी आ रही है, मम्मी जा रही है घास लेने के लिए। और आज जा रही हूँ मैं अपनी मौसी की शादी में। आज तो हल्दी है और कल है शादी, आज हल्दी और मेहंदी होगी। बाकी मम्मी ने तो कहाँ से आना, मम्मी कल आएंगी सीधे शादी के दिन। मेरी अपनी लिए आफत बांध रखी है, गाय भी, गाय भी। अब जब बांधी रखे हैं घास नहीं भी करना ही पड़ेगा उनके लिए, इसलिए मम्मी आएंगी कल सुबह और फिर कल शाम को घर। ये अभी मिलते हैं रिंकू साहब से। जैसे ही नाम निकाला वैसे ही प्रसिद्ध। आएंगी जंगल घास के लिए, तो ठीक है मम्मी जल्दी आना, बाय बाय, और कल जल्दी आना ठीक है, देखूंगी नहीं जल्दी आना। बाकी जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लगती है मैं वहाँ पे नहीं आई आज, मैं सीधे इधर की साइड आ गई। मम्मी ने बोला आधे रास्ते मेरे साथ चल ले। अभी वहाँ पे चार गाड़ियाँ तो दिख रही हैं, दो शायद बुकिंग में है, किसी की सगाई थी, और दो वैसे ही हैं, वो पता नहीं कब तक यहाँ आती सवारी होते कि नहीं होते। यहीं पे अब खड़ा खड़ा वेट करना पड़ेगा। आज का मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, बिल्कुल उम्मीद जैसी हो रही है, मतलब घुटन जैसी हो रही है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, आसमान में धूप भी नहीं लगी है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं यहाँ कुमड़ी गांव में भी पहुँच चुकी हूँ। बाकी मेरे को नाना जी लेने के लिए आए अपनी स्कूटी में। अभी हमको यहाँ ऊपर पर जाना है और यहीं के ठीक नीचे ना स्कूल भी है, और अभी जो शादी का सामान होता है डीजे वगैरह वो आने पे लगा हुआ है। यहाँ पे रहा मेरा फेवरेट वाला टॉमी। हेलो मेरी नानी जी, नानी प्रणाम। प्रणाम। मेरी नानी की बहन है, तीनों बहन है, चारों बहन एक जैसी दिख रही है, सबको मिलाऊंगी आपको। ठीक बात, कब आए? चलो और नानी से भी मिलाते हैं अभी। यहाँ पे मौसी जी लगी हुई है रोटी बनाने पे, दुल्हन की दीदी। हेलो मौसी। रेडी हो चुके थे, बाकी हमने हल्दी भी कूट लिया। और पहाड़ों में ना ओखली में ही हल्दी कूटी जाती है। आज मौसम तो ठीक ठाक है, धूप नहीं हो रही है, पर उमस इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरा पसीना पसीना हो रहा है। रही मेरी मौसी जी, मौसी भी अभी हल्दी के लिए रेडी हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको हल्दी रस कैसा लग रहा है, तो ठीक है चलो। अभी यहाँ पे पूजा होना भी स्टार्ट हो चुकी है। गांव में जब हल्दी होती है ना तो ऐसे पहना जाता है पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार, नथुनी गुलबन, गुलबन तो नहीं पहन रखा, मौसी को पसंद नहीं है बस। और ये है दुल्हन की बड़ी दीदी, उनकी शादी भी हो रखी है, दो बच्चे भी हो रखे हैं। तो कंप्लीट हो चुका है, अब सारी हल्दी दुल्हन पे लगाई जाएगी। तो अभी हल्दी हाथ तो हो चुकी है, बाकी अभी दुल्हन स्नान करेगी, उसके बाद साड़ी पहन के आएगी, उसके बाद पूजा होगी। घर की साइड दुल्हन के सारे भाई लोगों का भी फोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे मिली है मुझे मामी जी, छोटी मामी जी, सबसे छोटी मामी जी, जो की हमारी वीडियो देखती है, लाइक कमेंट भी करती है, धन्यवाद। अच्छा ना? अच्छा पुट्टी बोलना है मैं। सबसे छोटी और सब ठीक है आज शादी में, और नथुनी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।
साइड तो ना फोटो शूट हो रहा है, बाकी इधर की साइड बन रहा है अभी खाना दिन के लिए, और बड़े बड़े पतीलों पे बन रहा है खाना, किसी पे सब्जी, किसी पे दाल, किसी पे चावल। बाकी यहाँ पे है दुल्हन की बड़ी दीदी, और ये है, इन्होंने ना लव मैरिज कर रखी है, वो भी हमारे गाँव में बचपन का ब्याह। बाकी मौसी जी यहाँ के और हमारे गांव में लव मैरिज कर रखी है। और अभी कहाँ रहते हो? नगरासू रहते हैं। बाकी नतनी मेरे को आपकी बहुत पसंद आई। थैंक यू। तो अभी बच चुके हैं दिन के 2 और हम सब आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। अभी हो चुका है शाम का समय, बाकी यहाँ पे गांव की सभी महिलाएं आ चुकी हैं रोटी बनाने के लिए। जैसे हम जाते थे ना अपने गांव में रोटी बनाने के लिए, तो वैसे ही इस गांव की महिलाएं सारी यहाँ रोटी बनाने के लिए आ रखी हैं। अभी तो यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी। यहाँ पे ना भैया मौसी और भी आ चुके हैं। हेलो मौसी। हाथ में मौसी मौसी बोल दे, मैंने सोचा हाथ मिला रहे। चलो भी लोगों ने आटा भी गूंद लिया, और यहाँ ना कुछ ऐसे बनाई जाती हैं रोटियां, पंचायती तवा जो कि सारे गांव में जाता है, तो ऐसे में ठीक होता है। सभी लोग ना एक तवे पे 5-5, 6-6 लोग मिलके रोटी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ भी वैसे ही हो रखा है, तो ऐसे में ठीक रहता है, पर हमारे गाँव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी दोनों मामी जी जो कि हमारे व्लॉग देखती हैं। हेलो, कैसे हो? जब ना मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बहुत तेज आवाज निकल रही थी, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वैसे बस बढ़िया, तब बस बढ़िया हो गया। तो अभी ना रात होने ही वाली है, बाकी यहाँ पे मौसी जी के पैरों पे अभी मेहंदी लग रही है, हाथ पे तो लग चुकी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी दीदी जी लगा रही है। दीदी जी कहाँ की है? दीदी जी पदरकोली गांव से, और मेरा नाम है प्रभा रावत, और दोस्तों मेरा चैनल का नाम है प्रभा पावर ब्लॉग, आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब कर देना। दीदी को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना। दीदी ने ना कहीं ब्यूटी पार्लर में मेहंदी नहीं सीखी है, खुद से सीखी है, तो आपको ना ऐसे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे ना तीनों मामा लोगों का काम है यहाँ पे न्योता लिखना सभी लोगों को, और हमारे यहाँ ऐसा होता है न्योता भी लिखते हैं, और टीका भी लगता है, और साथ में ये प्रसाद भी मिलता है। तो मैं आपको सुबह बोल रही थी ना कि मैं आपको अपनी सारी नानियाँ दिखाऊंगी, तो सबसे बड़ी नानी जी ये है जिनका गाँव है दंतगेर है, और फिर हमारी नानी है जो कि जिनका गांव है वाड गांव, फिर हमारी नानी है जिनका गांव है बड़ गांव, एक और नानी है वो देहरादून रहती है, वो नहीं आ पाई, तो अगली बार दिखाएंगे उनको भी। कि यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही गजब के नज़ारे हैं, और उधर जो मार्केट दिखाई दे रहा है ना वो तिलवाड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। ये स्कूल ना सिर्फ 8 तक के, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमड़ी रुद्रप्रयाग। तो चलो भाई चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। यहीं पे हो रखे हैं बड़े ही प्यारे प्यारे फूल, जहाँ पे दुल्हन रात को फोटो शूट भी कर सकती है। ना इन लोगों ने रोटी बना दी और ये जा रहे हैं अपने घर को, इसकी भी सगाई हो गई है, बधाई हो। बाकी सबने रोटियां भी मांग ली हैं, और अब जाएंगे और जाओ और खाओ और सो जाओ नहीं फिर यहाँ पे आना, जल्दी में जल्दी आना, ठीक है, बाय बाय। तो अभी ना हम इनके साथ यहाँ आ गए हैं, ये हमको पकड़ पकड़ के लाए, तुम भी चलो बल मारो। अब क्या बोलना, सच्ची बोल रही हूँ, सबने मिल के बांट के पिया, अभी हम कर रहे हैं कुरकुरा पार्टी, और ये गंदे वाले कुरकुरे खा रहे हैं। ये बिरयानी है। मुझे मेरे 3 सब्सक्राइबर मिले जो कि हमेशा मेरी फॉलोइंग, ये ज्यादा ही होगी। तो अभी ना मौसी जी भी रेडी हो चुकी हैं, बाकी अभी मैं तो रेडी नहीं हुई, और मेहंदी भी अच्छे से लग चुकी है, हाथ में भी पैरों में, ऐसे करके दिखाओ, ये देखो बहुत ही अच्छी, और रच भी बहुत ही अच्छी है। कमेंट में जरूर बताना मौसी जी कैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी तो लग रही है, पर नजर मत लगा देना, मैं भी आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो अभी हो चुका है रात का समय, हम रेडी तो नहीं हुए अभी, पहले खाना खाते हैं उसके बाद होते हैं रेडी। बुढ़ी लोग सब रोटी खाने पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आज खाने में है आलू गोभी की सब्जी, रोटी, गर्मा गर्म दाल।